वहीं राजधानी के प्रसिद्ध सिनेमाघर राज मंदिर में ठग ऑफ हिंदुस्तान फिल्म देखने गए दर्शक आज उस समय ठगे रह गए जब उनको फिल्म की जगह कांग्रेस का पॉलिटिकल शो देखने को मिला। अंदर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित शो चला और बाहर दर्शकों का हंगामा बढ़ा तो सिनेमा हॉल प्रबंधन को माफी मांगनी पड़ी और दर्शकों का पैसा वापस लौटाने का वादा किया गया। प्रबंधक अशोक तंवर का कहना था कि कांग्रेस की सम्मेलन की इजाजत मिलने में देरी होने के कारण ये गफलत हुई है, लेकिन गलती हमारी थी कि हम दर्शकों को शो कैंसिल होने के बारे में पूर्व में सूचित नहीं कर पाए। हम कैब बुक करा के आए, 200 रुपए लगा के आए अपने घर से और हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी ना कुछ। अब हमने अपना इतना टाइम यूज किया, सब कुछ इनको दिया और कोई हमारे को सूचना नहीं है, ना हमारे अभी तक अकाउंट में कोई बैलेंस आया है। हमें यहाँ पर आके पता चला कि टिकट कैंसिल कर दिया गया और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ बताने वाला नहीं है क्यों कैंसिल किया गया, उसका क्या रिफंड का क्या प्रोसीजर रहेगा, कुछ व्यवस्था नहीं है। इतना परेशान हुए, फैमिली को लेके आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं और बता नहीं सकते कितने मेंटली हम हरे से। नहीं, सूचना तो अखबार में भी दे दी, टीवी में भी दे दी और कन्फ्यूजन ये रहा कि ये परमिशन लाए नहीं थे, हम बड़ी अजीब स्थिति में एडवांस करें नहीं करें, फिर हमने 200 टिकट पे ही रोक दिए थे एडवांस, तो जो जिनको टिकट दे दिए उनको पैसे वापस कर दिए, कुछ के बाकी दे दे कर देंगे। वो बैंक बंद होने की वजह से नहीं कर पाए क्योंकि ऑनलाइन कई लोग नहीं, उसके लिए सॉरी कर सकते, अब क्या कर सकते, मैनेजमेंट चलाना है।